नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, तुसीं देख रहे हो फास्ट न्यूज इंडिया। मैं डॉक्टर के एस पट्टी। जिवें कि तुहानूं सब नूं पता है कि पिछले काफ़ी समय तो टमाटर रेट बहुत उचले जा रहे हैं, तो 200 तक नूं टच करके 200 तो उपर भी चले गए सी। लेकिन असी आए इत्थे प्रताप पैलेस यूनिवर्सिटी रोड जलंधर दे विच, और इत्थे एक दुकान ते आए तां सानूं कवरेज करनी पैगी, क्योंकि दुकानदार ने कहा पहले साडी गल सुनो। उन्हां दी गल की आ आपां सुननी, तुहानूं दसणी आ गलबात की है। तो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए। सोनू। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है बताइए। बताए जैसे गरीब आदमी है ये, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही आ, इस करके नशेड़ी लो आ रहे 5, 10, 20 लोग, कोई कह रहा 100 दे, कोई कह रहा 500 दे, कोई भेज दे रहे हैं लाख डाट से, कोई 200 दे के, कोई 400 दे के। हम लोग को मार्केट आई उल्टे में, हम लोग को बदनाम करते, जे ये लड़ाई करते, हम तो किसी पास जाते नहीं। हमारे दत्ता जी ने मेंबर या लड़कियां भी काम कर दिया, हम भी काम करते, बूढ़े बंदे को मेरे को चल भी नहीं होता, एक बच्चा है बीमार हैगा मेरा, साढ़े को किसी खतरा है, किसी से खतरा बहुत हो गया है। क्या कोई घटना हुई है? घटना की डंटे लेके फिर रहे हैं, मारन के फिर रहे हैं। अच्छा, कौन था दुकान पर? कहाँ, एक बच्चा आएगा इसी के सिरे। क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार, पहले जिस काम के लिए आए बताओ, ये टमाटर का रेट क्या है? 100, 100 रुपये, 100 रुपये किलो। हाँ जी, सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? सस्ता मंडी से नहीं हो रहा है। अच्छा, चलो, क्या बात हुई, क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी, हम दुकान से जा रहे थे ठंडा लेने, वो आते आते बोले तू मेरी कम्प्लेट किया पुलिस में। मैंने बोला भैया मैंने नहीं किया। चलो, उसने कुछ गलत लफ्ज बोला है, लेकिन अब माइक ने गाली मत निकाली। अच्छा ठीक है, कहने का मतलब उसने कहा मुझे, उसने बंदे ने भेजा 200 रुपये दे के तेरे को चपेट मारने के लिए। उसके बाद कह रहा तुम लोग समय बेचते हो, करते हो, सारा कुछ करते हो, फिर चले गया। फिर उसके बाद ना वहाँ खड़ा हो गया, फिर मैंने घर पर आके बताया, फिर उसने ईंटा उठा लिया। किसने? वही नशेड़ी ने, चपेड़ मारे थे। जिसने चपेड़ मारा था, फिर उसने ईटा उठा लिया, फिर वो उधर ही से गाली निकाली जा रहा था। कहाँ से? वो सब्जी की दुकान के सामने से लाग डाट करके। उसके बाद में? हाँ जी, दिखाओ कैमरा मैन, दिखाओ कौन सी सब्जी की दुकान है। आही सब्जी की दुकान। हाँ, ये इनकी चलो बाजार में होगी। हाँ। लेकिन तुम अपने अड्डे पर काम करती हो तुम? हाँ जी। तुम्हारी इसके साथ क्या दुश्मनी? हमारी दुश्मनी कोई नहीं है, इन ये लोग कस्टमर को देख के सड़ते हैं, तो किसी की तरक्की देख के खुश नहीं है। कहने के बोला हमने फ्रूट भी रखा है, फ्रूट जिस परसों से मैंने फ्रूट रखा है, नराता के लिए रखा था, हम बाद में भी रख सकते हैं, हमारे पास पैसे होंगे तो। ये लोग देख के सड़ते हैं, ग्राहक दो चार ज्यादा आते हैं। ये तो बाजार में चलता है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? लाग डाट करके इन लोगों ने सेड़ी भेजा, उसने चपेड़ मार दिया। मैंने बोला भैया तुमने चपेड़ क्यों मारा? कह रहा इसने मुझे 200 रुपये दे के भेजा तेरे को चपेड़ मारने के लिए। तुमने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस वहाँ पर सूर्या क्लेम, सुनवाई कोई नहीं कर रहे हैं। कितने दिन की बात है बताओ? ये 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। हाँ जी। आज किस तरीके है? 19 तारीख। हाँ जी। उसके बाद कोई बातचीत हुई? वहाँ का आ रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, तो टाइम देख रहे हैं। आपने पुलिस को बताया? पुलिस को अभी नहीं बताया, दोबारा नहीं बताया, अभी दोबारा नहीं गया। आपको नंबर दिया पुलिस वालों ने अपना? पुलिस वाले ने नंबर नहीं दिया, मेरा नंबर जू लिख लिया उसने, कह रहा फोन करूंगा बेटा तुम्हारे को, जब मैं बुलाऊंगा तब थाने आ जाना तुम। तो ये थी इसकी प्रॉब्लम, जो इनकी बात हिंदी में हो रही थी तो मैं भी हिंदी में बता देता हूँ कि जो इनकी समस्या है कि दुकान करते हैं, सड़क के ऊपर दुकान है, सामने एक और दुकान है, आमतौर पर एक दूसरों से ईर्ष्या होती है दुकानदारों को, लेकिन ये जो दूसरों पर जानलेवा हमला करना या दूसरे की दुकान पर जाकर हमला करना, ये बात गलत है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उनके अड्डों पर कभी गए, उनके दूसरों के अड्डे पर गए? नहीं, नहीं गए। हमारे अड्डे पर आए ना? हाँ जी। तो किसी के अड्डे पर जाकर हमला करना कानूनी तौर पर गुनाह है, तो इसके कहने के मुताबिक ये किसी के उधर गया नहीं, तो इसकी सुरक्षा को चिंता है, इसके विषय में इसका सवाल था। तो हम प्रशासन से बेनती करते हैं कि इस तरह की समस्या को देखें, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको डांट डपट दें या उनके ऊपर कार्रवाई करें।
धन्यवाद।